कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसके साथ जुड़ रहे हैं वो कैसी कंपनी है, उसका कैसा प्रोडक्ट है, उसका रेट कैसा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत फिर से भारत के नंबर वन और सबसे बड़ी फैक्ट्री आउटलेट इशिता हाउस में, मैं सुनील पाटिल। दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो होने वाली है बहुत काम की, जो करना चाहते हैं कपड़ों का बिजनेस या ऑलरेडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कौन सी कंपनी के साथ जुड़ते हो, उनसे बिजनेस करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा सक्सेस होते हो, एक कामयाब बिजनेसमैन होते हो। तो ये बात का भी काफ़ी ध्यान रखना है कि आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं वो कैसी कंपनी है, उसका कैसा प्रोडक्ट है, उसका रेट कैसा है, ये खास आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट हम और बात करते हैं कि आप बिजनेस कौन से सिटी से कर रहे हो, आप गांव से कर रहे हो, सिटी से कर रहे हो, वहाँ पे कौन सा कपड़ों का प्रोडक्ट चलता है, वहाँ पे कुर्ती चल रही है, साड़ी चल रही है, कोई भी वेराइटीज, आपको जो वेराइटीज चल रही है कौन सी वेराइटीज वहाँ पे चलती है, कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा डिमांड में है, तो वो भी आपको खास ध्यान रखना है। ताकि आप सूरत आते हो ना तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे सिटी में ये चल रहा है, हमारे गांव में ये चल रहा है, तो इससे होता क्या है, आपको फर्स्ट में ही जो आपको चाहिए वो मिल जाता है और आपके कस्टमर को जो कपड़ा चाहिए वो मिल जाता है। और आपका बजट एक तय होना चाहिए कि मुझे इतने बजट से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर आपका कम बजट है तो आप 40-50 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप शॉप से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर 40-50 का बजट है तो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अच्छा बजट है तो आप शॉप से ही स्टार्ट कर सकते हो, शॉप में भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलता है। जब आप शॉप ओपनिंग करते हो तो आजू बाजू आपके गांव, आपके जो भी सिटी में आप ओपन किया है या गांव में, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो, इससे आपको कस्टमर भी ज़्यादा मिलेंगे और आपके यहाँ कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे, और जो भी आपके कस्टमर है रिजनेबल रेट में आपको कपड़ा देना चाहिए उनको, ताकि वो आपके पास दोबारा आए। इससे होता क्या है कि कस्टमर एक बार लेने के बाद वो तो आएगा ही आएगा, दूसरे और दो लोगों को लेके आता है, इससे आपका बिजनेस का ग्रोथ होता है, इससे आपका बिजनेस बढ़ता है। जो भी आपके कस्टमर आपसे माल ले जाते हैं उनका ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, जो आपके ग्रुप में जैसे उन्होंने माल लिया है, आप उनको जो भी वेराइटीज आए तो उनको अपडेट दे सकते हो, नया वेराइटीज आया तो आप उनको भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, इससे आपका बिजनेस आपका बढ़ेगा और आपके कस्टमर को भी नए नए वेराइटीज़ हमेशा मिलती रहेगी, इससे उनको अगर जो पसंद आया वो आपको ऑर्डर भी देंगे या तो फिर आपके शॉप में या घर पर आके माल लेंगे। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपना कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप भी अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बहन हो या फिर भाई हो या कोई भी उम्र के हो, ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है। अभी तो शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो कपड़ों का काफ़ी अच्छा डिमांड है, तो अभी के टाइम में बिजनेस करना कपड़ों का बहुत अच्छा है, क्योंकि डिमांड अच्छा है तो आपका बिजनेस अगर आप करते हो तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी और भी आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको हमेशा कोई भी जानकारी चाहिए तो सपोर्ट देने वाली। अगर सूरत आ रहे हो तो भी आप स्क्रीन पे नंबर दिए हैं कॉल कर सकते हो हमारी टीम को, और किसी कारण नहीं आ रहे हो, आपको ऑनलाइन आपको खरीदी करनी है तो भी आप कर सकते हो, हमारे यहाँ वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आपको सारा का सारा प्रोडक्ट हम देंगे। दोस्तों, और भी आपको नया नया कलेक्शन देखना है तो हमारा इंस्टा है, फेसबुक है और यूट्यूब पर इशिता हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नया नया कलेक्शन, नई नई वेराइटीज़ मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।